24 दिसंबर की रात मुंबई में कपिल शर्मा और उनकी दुल्हन गिन्नी चतुर्थ के वेडिंग रिसेप्शन की धूम रही। कपिल शर्मा के आमंत्रण पर बॉलीवुड से तमाम सेलिब्रिटी मेहमान उनके वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए। दीपिका पादुकोण जहां रणवीर सिंह के साथ पहुंची तो वहीं धर्मेंद्र, रेखा, अनिल कपूर, करण जौहर, क्रिकेट हरभजन सिंह, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल तक इस खास मौके पर मौजूद रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि कपिल शर्मा ने 12 दिसंबर को अपने बचपन के दोस्त गिन्नी चतुर्थ के साथ सात फेरे लिए थे। कपिल की शादी जालंधर में हुई थी, तब वहां बॉलीवुड से ज़्यादा स्टार्स नहीं जा सके थे, जिसकी कमी सोमवार को मुंबई रिसेप्शन में पूरी हुई, यानी 24 दिसंबर को कपिल और गिन्नी के रिसेप्शन में तमाम बॉलीवुड स्टार्स शामिल हुए। इस मौके पर कपिल शर्मा अपनी दुल्हन गिन्नी के साथ कुछ खास ही अंदाज में नजर आ रहे थे। कपिल शर्मा के मेहमानों में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह खास तौर पर पहुंचे थे। इस मौके पर दोनों कुछ इस अंदाज में नजर आए थे कि बता दें कि कपिल शर्मा हमेशा से कुछ दीपिका को ज़्यादा ही पसंद करते नजर आए हैं अपने शोज में। कपिल के रिसेप्शन में पहुंचकर दीपिका ने उनका यही दिन खास बना दिया। अनिल कपूर का भी सोमवार को यानी 24 दिसंबर को जन्मदिन था, इसके बावजूद वो कपिल शर्मा के रिसेप्शन में शामिल हो गए और अनिल कपूर उसमें बेहद उत्साहित नजर आए। हालांकि सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन आदि अपनी व्यस्तता के कारण इसमें नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन सलमान खान के भाई सोहेल खान अपने पिता के साथ इस जश्न में शामिल हुए। आइए यहाँ हम आपको बताते हैं गिन्नी चतुर्थ और कपिल शर्मा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। गिन्नी के पापा ने एक बार कपिल शर्मा को रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी दोनों की शादी हो रही है। आइए इनकी लव स्टोरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। कपिल शर्मा अपने बचपन की दोस्त गिन्नी चतुर्थ के साथ शादी कर चुके हैं। सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले कॉमेडी किंग की रोमांटिक लाइफ के बारे में आप जानकर बहुत ही अचरज करेंगे। कपिल और गिन्नी दोनों एक दूसरे को 13 साल से जानते हैं। उनकी मुलाकात एक ऑडिशन के समय हुई थी, हंस बलिए के दौरान। वहीं गिन्नी एक बार कपिल शर्मा को ठुकरा भी चुकी है, यानी कपिल एक बार रिजेक्ट हो चुके हैं। कपिल शर्मा ने खुद इसका राज खोला और बताया कि गिन्नी साल 2005 में IPJ कॉलेज में एक ऑडिशन देने आई थी। यहाँ पर उन्होंने गिन्नी को देखा था और मुलाकात भी हुई थी। उस समय कपिल प्ले डायरेक्ट किया करते थे। गिन्नी 19 साल की थी और कपिल 24 साल के। कपिल बताते हैं कि उस समय हमारी रोज़ मुलाकात होने लगी थी। गिन्नी कई बार उनके लिए घर से खाना भी लेकर आया करती थी। कपिल ने बताया कि उन्हीं दिनों एक दोस्त से पता चला कि गिन्नी कपिल शर्मा को पसंद करती है। इस बात को कपिल ने बताया कि मेरे दिल तो दिमाग में खलबली मचा दी थी। कुछ और करने के बजाय मैंने खुद गिन्नी से पूछ लिया कि क्या वह मुझे पसंद करती है, तो गिन्नी ने हाँ में जवाब दिया था। इस तरह हमारा रिश्ता शुरू हुआ। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब हम दोनों की दोस्ती और रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था। कपिल ने बताया कि करियर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए वे मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने कई ऑडिशन दिए लेकिन वे रिजेक्ट हो गए। एक दिन उन्होंने गिन्नी को फ़ोन करके कहा कि अब वह उनसे कभी संपर्क ना करे, क्योंकि इस दोस्ती और रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आर्थिक स्थिति के मामले में गिन्नी के परिवार वाले उस समय मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे थे। कपिल ने बताया कि लगातार कोशिशों के बाद एक शो के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। गिन्नी को यह बात पता चली तो उसने फ़ोन करके मुझे बधाई दी। उसके बाद मेरा काम चल पड़ा। मेरी कमाई देखकर माँ रिश्ता लेकर गिन्नी के घर पहुंच गई, लेकिन गिन्नी के पापा ने बड़े ही प्यार से रिश्ता ठुकरा दिया। उसके बाद मैं काम में व्यस्त हो गया और गिन्नी अपनी पढ़ाई पूरी करने में। कपिल ने बताया कि गिन्नी से बताया कि अब मैं मुंबई में अच्छे से सेट हो गया हूँ, करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो एक बार फिर से गिन्नी और मेरे रिश्ते की बात शुरू हुई। क्योंकि माँ दोनों परिवार वाले जानते थे, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। किस्मत ने साथ दिया और इस बात पर बन गई, गिन्नी के परिवार वाले मान गए और हमारी शादी तय हो गई। इस तरह 13 साल बाद रिश्ता शादी में बदल गया। दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गिन्नी को पहली बार हंस बलिए के शो में देखा गया था। एक कॉमेडी शो था जिसमें कपिल शर्मा ने भी भाग लिया था। सूत्रों के मुताबिक इसी शो के सेट पर गिन्नी और कपिल एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। गिन्नी किशोरावस्था में मोटापे से ग्रस्त थी, हालांकि योगा करने के बाद उन्होंने अपना काफ़ी वजन कम किया है।
गिन्नी जालंधर पंजाब की रहने वाली हैं। उन्होंने वित्त में MBA किया है।